या रोमन एक्स का न्यूमेरिक वैल्यू या हिंदी आरोपिक नंबर क्या है, हम बहुत ही आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि रोमन आई है 1 और रोमन एक्स है 10। लेकिन अगर आपको कोई पूछे XX, LL, VI, C, इसका न्यूमेरिक वैल्यू या हिंदी आरोपिक नंबर क्या है, तो हम आसानी से इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं, कैसे हम बहुत ही आसानी से रोमन वैल्यू को, रोमन नंबर को हिंदी आरोपिक नंबर में ये वैल्यू में कैसे बहुत जल्दी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। कैसे हम रोमन न्यूमेरिक वैल्यू को हिंदी अरबिक नंबर पे कन्वर्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और कैसे हम रोमन नंबर को जोड़ सकते हैं, इसके लिए आज हम यहाँ पे एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर एक फॉर्मूला को यूज करेंगे और देखेंगे कैसे हम रोमन नंबर को अरबिक नंबर पे न्यूमेरिक वैल्यू में आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे हम सम कर सकते हैं रोमन नंबर को। तो यहाँ पे अगर हम रोमन नंबर पे कोई भी हम यहाँ पे लेटर लिखे, जैसे कि मैं आई लिखता हूँ, हम सब जानते हैं आई का मतलब है 1। अगर हम यहाँ पे एक्स लिखते हैं तो हम सब जानते हैं एक्स का मतलब है 10। तो इसके लिए हमें यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमें इस तरह का कोई रोमन लेटर मिल जाए तो इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले रोमन जो लेटर्स है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें यहाँ पे एक सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसे कि इक्वल टू लिखने के बाद हम अरबिक लिखेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। हम टैब बटन को प्रेस करके इस फॉर्मूला को यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। कंफर्म करने के बाद हम इस रो के अंदर जो सेल है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम एंटर प्रेस करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे जो डबल आई लिखा हुआ है इसका वैल्यू 2 है। इस फॉर्मूला को नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो हम बहुत ही आसानी से XXI मतलब 21 है, XX मतलब 20 है, VII मतलब 7 है, C मतलब 100 है। ऐसे ही कुछ भी लेटर हम यहाँ पे लिखेंगे तो इसका जो ऑटोमेटिक अरबिक न्यूमेरिक वैल्यू है हमें राइट हैंड साइड में, राइट हैंड सेल के अंदर हमें यहाँ पे मिल जाएगा। MM मतलब 2000 है। तो ये बहुत ही आसान फॉर्मूला यूज करके हम और रोमन न्यूमेरिक वैल्यू को आसानी से अरबिक न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कैसे हम इस रोमन नंबर को जोड़ सकते हैं, टोटल कर सकते हैं। इस वैल्यू को टोटल करने के लिए हमें सिंपल इक्वल टू हम सम फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सम लिखेंगे, टैब प्रेस करके सारे जो सेल है जो सिलेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे सम मिल जाएगा। इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये रोमन जो लेटर्स है इसके लिए हम इस फॉर्मूला को यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। इसको सम करने के लिए हम यहाँ पे और एक फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसे कि इक्वल टू यहाँ पे हम यूज करेंगे सम प्रोडक्ट, SUM सम प्रोडक्ट यहाँ पे आ गया है। हम टैब प्रेस करके इस फॉर्मूला को यहाँ पे कन्फर्म करेंगे। कन्फर्म करने के बाद हम ये जो रोमन लेटर्स है उसको हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन हमें कन्वर्ट करना है रोमन लेटर को अरबिक में पहले। तो इसके लिए हमें यहाँ पे इस सम प्रोडक्ट के बाद हम लिखेंगे अरबिक, टैब प्रेस करेंगे क्योंकि यहाँ पे आ गया है। टैब प्रेस करने के बाद हम रोमन का जो लेटर्स की रेंज है उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एक ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो हम देखेंगे इस रोमन का जो लेटर्स से इसका जो सम है यहाँ पे हमें मिल गया है। हम यहाँ पे देखेंगे दोनों वैल्यू जो यहाँ पे सेम है। तो कितने आसानी से हम एक्सेल के अंदर रोमन न्यूमेरिक वैल्यू को आसानी से अरबिक वैल्यू में, हिंदी अरबिक वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इसके बाद रोमन लेटर का जो सम है हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक डिजिटल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। देखते रहिए डिजिटल एक्सप्रेस।